नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स यहां पर हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के बाजार को लेकर, और साथ ही साथ इस हफ्ते की तेजी के बाद या इस हफ्ते के बाजार के बाद अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन शेयरों पर आपका फोकस होना चाहिए। दरअसल ये बाजार ऐतिहासिक रहा बाजार के लिए, जबकि नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक पर रफ्तार रही, मिड कैप इंडेक्स में रफ्तार रही, और इस रफ्तार के साथ ही इंडेक्स ने एक बढ़िया प्रदर्शन भी दिया। धीरे धीरे स्लोली स्टेडली अब हम पहुंच रहे हैं उस जोन में जहां पर एक बड़े आउटकम को मार्केट्स इनकैश करेगा। लेकिन उससे ठीक पहले सेंसेक्स करीब करीब 2% ऊपर रहा इस हफ्ते में, निफ्टी करीब 2% ऊपर रहा, मिड कैप निफ्टी बैंक करीब 1.5% ऊपर रहा, मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर रहा, और लाइक वाइज स्मॉल कैप भी रफली 1% के आसपास की बढ़त के साथ रहा। फार्मा इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, मीडिया 3.5% ऊपर रहा, एनर्जी इंडेक्स 3% के आसपास की बढ़िया तेजी यहाँ देखने को मिली, रियल्टी रफली 2% के आसपास की तेजी यहाँ रही, थोड़ी बिकवाली आई प्राइवेट बैंक्स के अंदर, रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली वहाँ देखने को मिली, और FMCG भी 0.5% के आसपास बिकवाली के साथ इस हफ्ते में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन नए जो आयाम है मार्केट ने वो हिट किया, 23,000 के आसपास के नए लेवल्स निफ्टी ने हिट किए, 75,000 सेंसेक्स ने रीगेन किया, एंड लाइक वाइज निफ्टी बैंक भी बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तो ऐसी एक अच्छी तेजी इंडेक्स के दम पर मार्केट्स में देखने को मिली। तो ये तो रही इस हफ्ते की बात, लेकिन अब इस हफ्ते के बाद आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत करेंगे हम अपने दो जानकारों से। हमारे साथ आस्था मैम मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। आस्था मैम से बातचीत करेंगे हम इंडिविजुअल की पिक्स के ऊपर भी, और नरेंद्र सर भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर, और साथ साथ एक टेक लेंगे उनका अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर भी, जहां पर इस तेजी के बाद बैठ कर सकते हैं। आप दोनों को नमस्कार और आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। पहले नरेंद्र सर, मार्केट्स पर आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार जिस रफ्तार से चल रहा है, मिड कैप भी अच्छी तेजी में, स्मॉल कैप भी तेजी में, अब तो कमोडिटीज भी अच्छी तेजी में, साथ ही साथ फ्रंटलाइन इंडेक्स भी तेजी में, सो इस तेजी में कहाँ ब्रेक लगेगा, कैसे संभल के चलना है, आप ही बताइए क्या करा जाए। जी बिल्कुल, जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए तो शुरू में जो फेजेस थे, फर्स्ट सेकंड फेज थे, वहां पर थोड़ा सा मार्केट ने नर्वसनेस दिखाई थी, काफी परेशान था मार्केट सीट्स को लेकर। लेकिन अब मुझे लगता है कि मार्केट भी अब सर्टेन हो गया है, जिस हिसाब से अभी दिखता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो आने वाली है, बल्कि काफी जोरदार बहुमत के साथ आने वाली है, वो भी शायद अब मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि फोर्थ को मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश ही रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी मोस्टली रिजल्ट्स जो है इलेक्शन के वो प्राइस इन मार्केट कर चुका है ये तेजी के साथ। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लैट आउट हो सकता है, 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वहां पे हमको हो सकता है मेजर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे देखें इलेक्शन ईयर्स में, तो मार्केट जनरली 3 मंथ, 6 मंथ डाउन द लाइन पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है मोस्टली। तो डेफिनेटली स्टेबलाइज होगी और आगे ग्रेजुअली जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा मार्केट में, और स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स आपको लेनी पड़ेंगी जहाँ पे आपको पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट में रखिए आप, लेकिन हाँ पैसा शायद बनेगा आगे भी, उम्मीद यहाँ पर नरेंद्र सर को लग रही है। आस्था मैम, आपका व्यू क्या है मार्केट्स को लेकर, स्पेशली निफ्टी निफ्टी बैंक को लेकर, जिस तरह के नए रोज बरोज हिस्टोरिकल लेवल्स हिट हो रहे हैं, वो भी तब जबकि इलेक्शन का आउटकम बस खड़ा ही है सामने, किस तरह से आप रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड इवनिंग। देखा जाए तो मार्केट्स तो बढ़िया ही लग रहे हैं, और जिस तरह से निफ्टी ने आज और ये पूरा हफ्ता परफॉर्मेंस दिखाया है, आगे की तरफ पॉइज्ड है निफ्टी, जहाँ की 23,200 तक के स्तर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से और कॉशियसली काम करने का समय है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन एक इवेंट सामने खड़ा है, जस्ट उसकी वॉलिटिलिटी से थोड़ा बचने के हिसाब से हम लोग थोड़ा सेफ साइड प्ले करने को कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में निफ्टी अच्छा ही रहेगा, 23,200 तक के तो हम यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से मार्केट्स में तेजी अभी भी जारी है, बस थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, इतना बढ़ गया है तो अब एकदम से इसमें एंट्री ना करें, थोड़ी सी गिरावट आए तो एंट्री के मौके ढूंढे, यही हम हमारे क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर रहे हैं। तो आउट राइटली मत जाइए, बाजार की स्थितियों को देखकर एक्साइटेड मत होइए, ये मत सोचिए कि बाजार चला ही जा रहा है तो आपको मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे बहुत मौके मिलेंगे, उन मौक़ों का इस्तेमाल करिएगा और इन सिचुएशंस के अंदर आप फिर भी कॉल लीजिएगा। एक चीज़ और नरेंद्र सर, मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहा था कि इस तरह की सिचुएशन में कितना डिफिकल्ट होता आपके लिए कॉल लेना कि किनके साथ जाऊँ, जिन जिनको आप 3 डिजिट में देखते थे वो अब 4 डिजिट में आ चुके हैं, जिनको आप 2 डिजिट में देखते थे उनको 3 या rather 4 डिजिट में देख रहे हो, सो ऐसे कॉल कैसे लेते हो आप, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, किनको पिक करना है किनको नहीं?
जी डेफिनेटली, क्योंकि बार्गेनिंग रेट्स अभी रहे नहीं है तो डिफिकल्टी होती है, और जो आपका विजिबिलिटी टाइमलाइन है वो भी आपको बढ़ाना पड़ता है। अगर आपके स्टॉक्स चीपली ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1 ईयर 2 ईयर विजिबिलिटी के साथ भी अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हो तो आप कॉल ले सकते हो। बट फिलहाल जो वैल्यूएशन है उसमें आपका जो विजिबल जो रडार है वो आपका बियॉन्ड 2 ईयर्स चला जाता है, जिसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस के साथ ही आप बेट ले सकते हो कि यहाँ पे बियॉन्ड 2 ईयर्स कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, उस हिसाब से सेक्टर की ओवरऑल जो पोजीशनिंग है वो कैसी है आगे आने वाले समय में, और जो भी अगर वो गवर्नमेंट फोकस सेक्टर है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक्स्ट्रा नजर में रखनी पड़ती है। तो डिफिकल्टी तो जरूर होती है और साथ के साथ थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी या फिर आप बोले तो प्रॉफिट बुकिंग भी कभी भी आ सकती है मार्केट में, अगर ग्लोबली कुछ इवेंट जो कि आउट ऑफ कंट्रोल या आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आ जाता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी आते हैं। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ रिस्क भी बढ़ता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना ज्यादा बेहतर। तो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना ज़्यादा बेहतर है, और सच बात है, आप अर्निंग्स पर नज़र रखिए, क्योंकि अगर भाव बढ़ रहे हैं तो अर्निंग भी इंप्रूव हो रही होगी, तो उसको भी आधार मानिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा टफ तो होता है, थोड़ा चैलेंज होता है जब आप नीचे के भाव देख के आए होते हो। तो अब शुरुआत करते हैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की, जहां पर दोनों जानकार बैठ कर रहे हैं। तो आस्था मैम, पहला नाम आपकी तरफ से। देखिए, पहला नाम हमें जो पसंद आता है वो ग्रेविटा इंडिया है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हम हमारे पीएमएस पे होल्ड करते हैं और काफी समय से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। तो ग्रेविटा इंडिया पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 1185 से 1200 के रह सकते हैं। अब अगर हम इस कंपनी की बात करें तो देखा जाए तो ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग में है। लेड मेटल, एल्यूमिनियम अलॉयज और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, इन सब के ये रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में है। कंपनी को पसंद करने की वजह, सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनी ने अभी दिखाई, बेहद शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि 5 साल की रेवेन्यू सीएजीआर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो बहुत बढ़िया 21% की ग्रोथ रेट से रेवेन्यू सीएजीआर 5 साल की इनकी आ रही है। और वहीं अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो उसमें तो सीएजीआर 5 साल की 50% से भी ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। इस बार की जो ग्रोथ आई है वो भी बहुत बढ़िया, और देखा जाए तो इनका जो मार्केट है 62% इंडिया से आता है, रिमेनिंग ओवरसीज बिजनेस से आता है। अब अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही है, लेकिन इसमें और जो एक चार चांद लगाने वाली बात है वो है कि इनका विजन क्या है। विजन की बात करें तो 2028 तक कंपनी ने विजन रखा है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सीएजीआर ग्रोथ है, ये जो अभी 21% है इसको 25% लेके जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया करेंगे, और कैसे करेंगे, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अब ये लिथियम आयन स्टील के अंदर, पेपर के अंदर, तो वहां से बढ़िया ग्रोथ होती भी नजर आएगी। इनफैक्ट अभी भी कंपनी लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जो 2.34 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी इनकी 2023 में थी वित्तीय वर्ष, उससे बढ़ के 3 लाख मेट्रिक टन के पार हो चुकी है अब कैपेसिटी, और कंपनी का विजन 2027 तक 5 लाख मेट्रिक टन तक करने का है। तो कंपनी का विजन बहुत सॉलिड है, और सबसे बढ़िया इसमें जो ROCE है वो 25% की है, जो कंपनी मेंटेन करने का यहाँ पे विजन रखती है 2028 तक। तो करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक सबको मिलाते हुए ये कंपनी हमें बहुत पसंद आती है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी, थोड़ा डिप आए तो खरीदारी करिए 1185 से 1200 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। तो 1185 से 1200 के इनिशियल टारगेट्स के लिए आप ग्रेविटा इंडिया को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं, और अभी साइकिल इन फेवर भी है तो वो भी एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे कामकाज करे, तो इसीलिए आप स्टॉक पर बेट कर सकते हैं। ये पहला नाम आस्था मैम की तरफ से। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से पहला नाम। जी, हमारा जो पहला नाम है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ये हम पहले भी रिकमेंड करते आ रहे हैं और फिलहाल इस लेवल पे भी इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। उसका मेजर जो रीजन है कि अगर आप कंपनी के ऑर्डर बुक देखें तो ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ के ऑर्डर बुक्स है, और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है और जो कि नियर टर्म में जो विजिबल ऑर्डर इन्फ्लोज है वो 25,000 करोड़ के आसपास नेक्स्ट ईयर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ना बल्कि डिफेंस बट रेलवे को भी कैटर करती है। डिफेंस में तो ये तीनों जो आर्मीज हैं हमारी, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स एंड एयरफोर्स, ये तीनों ही सेगमेंट, तीनों ही आर्मीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, और इनके जो नए प्रोजेक्ट हैं, शक्ति प्रोजेक्ट है, वो भी काफी अच्छा आगे आने वाले दिनों में और सालों में रेवेन्यू लेके आएगा। तो काफी बड़ी विजिबिलिटी है, और एक बार डिफेंस में हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो
नेक्स्ट जो फ्यू 2-3 ईयर्स है वो डिफेंस सेक्टर के लिए जो ऑर्डर इन्फ्लोज है वो बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं, और इसमें जो कंपनी है वो काफी बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल है इस कंपनी के पास, तो डेफिनेटली ये अच्छा परफॉर्म करती ही रहेगी। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 335 रुपीज है। तो 335 के टारगेट्स के लिए आप BEL पर बेट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम पहले भी नरेंद्र सर इस पर बातचीत कर चुके हैं और शायद 150-200 रुपये से चाल शुरू हुई थी जब नरेंद्र सर ने बातचीत शुरू की थी, और देखते देखते शेयर में एक बढ़िया रफ्तार आ चुकी है। तो अभी भी आप 335 के टारगेट्स के लिए इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। ये पहला नाम नरेंद्र सर की तरफ से। आस्था मैम, दूसरा नाम आपकी तरफ से। देखिए, दूसरा नाम जो है वो बेहद जाना पहचाना नाम है, ऑटोमोबाइल स्पेस की टॉप कंपनियों में से आती हीरो मोटोकॉर्प। खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। इनिशियल टारगेट 5615-5620 तक के रह सकते हैं। कंपनी की बात करें तो पहले तो नतीजे बहुत शानदार, दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रीमियम सेगमेंट में इन्होंने जो प्राइस हाइक लिए, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ी, उसका फायदा होता हुआ नजर आया। तीसरी तरफ बात करें तो अब ये कंपनी अपना जो डीलरशिप बेस है, स्पेशली जो इनकी प्रीमियम बाइक्स हैं जिसमें मैवरिक, करिश्मा करके कुछ एक नाम आते हैं, वहां पे ये बढ़ाने की बात कर रही है, तो वो एक बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर हो सकती है। और आगे की हम बात करें तो ईवी सेगमेंट में, जो ईवी स्कूटर सेगमेंट है, वहां पे भी कंपनी का मार्केट शेयर एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लॉन्चेस वहां पे हम होते हुए देख रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स के चलते हीरो मोटोकॉर्प अच्छा लगता है। थोड़ी गिरावट आई क्योंकि ये स्टॉक भी ऐसा है कि काफी बढ़ गया है, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प में 5615-5620 के लक्ष्य के लिए। तो 5615-5620 के लक्ष्य के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल या टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। ये आस्था मैम की तरफ से दूसरा नाम है। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। जी, हमारा जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो ऑफ हाईवे टायर्स है उसमें कंपनी का 6% मार्केट शेयर है ग्लोबली, और कंपनी ट्रेडिशनली यूरोपियन मार्केट में ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन अभी उन्होंने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है और कंपनी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी ने सेटअप किया है इन रीजन में, जो कि आने वाले दिनों में कंपनी की ग्रोथ प्रोफाइल और रेवेन्यू और मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। हमको आशा है कि कंपनी की जो मार्जिन है वो भी 200 बेसिस पॉइंट के अराउंड इंप्रूव होंगे, और जो कंपनी की ग्रोथ है वो भी 13-14% के आसपास रहने वाली आने वाले 2 सालों में। तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 3500 रुपीज है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री एक बढ़िया शानदार नंबर इस क्वार्टर में देखने को मिला, और उसके बाद स्टॉक की री रेटिंग हो गई, और उस री रेटिंग के बाद अगर अभी भी आप बेट करना चाह रहे हैं तो 3500 रुपये के टारगेट्स के लिए इसको भी आप देख सकते हैं। नरेंद्र सर, इस पूरे सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब MRF को अगर हटा भी दूँ तो CAT हुआ, जो कि मतलब भले बालकृष्ण का यूनिक बिजनेस मॉडल है, ऑफ रोडिंग में इनका है कोई नहीं खड़ा, लेकिन फिर भी CAT, JK टायर, अच्छे अच्छे और भी विकल्प हैं। सो मतलब उनमें क्या करें, मतलब अदर देन अगर बालकृष्ण किसी और को कोई टायर स्पेस में से ये कंपनियां उनके पास, तो उनमें क्या करना चाहिए? जी, इसमें हमारी अपोलो टायर्स भी हमको पसंद, अपोलो एंड CAT हमारे दोनों हमको पसंद है। अगर आपको थोड़ा सा डोमेस्टिक टायर्स में जो नॉर्मल जो ऑन हाईवेज जो टायर्स है उसमें भी अगर आपको एक्सपोजर लेना है इस सेगमेंट में, तो हमारी पसंद अपोलो टायर्स एंड CAT में भी है। तो अपोलो टायर और CAT, इफ इन केस आप डोमेस्टिक स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं तो ये भी एक अच्छे नाम हो सकते हैं, एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ऑफ रोडिंग के लिए या फिर लार्जेस्ट टायर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो बालकृष्ण इंडस्ट्री, इस क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे आते हुए दिखाई पड़े थे। 4 स्टॉक्स के ऊपर बातचीत हो चुकी है जिन पर हमने चर्चा की, और आगे भी कुछ और स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे, उस पर भी हम अपने जानकारों का रुख लेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बाकी आगे 2 स्टॉक्स और कुछ और स्टॉक्स जो इस हफ्ते के बजे रहे इन सब पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक की उस तरफ। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स, और इस हफ्ते का बाजार जो कि बढ़िया रहा और नए रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स पहुंचा, और इस हफ्ते की तेजी के बाद अब कौन कौन से स्टॉक्स पे बेट करना चाहिए, कहां पर आपकी नजर हो, इन सब पर हम बातचीत कर रहे हैं। 2 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, आस्था मैम मौजूद हैं, साथ नरेंद्र सोलंकी सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते के मार्केट्स को लेकर भी किस तरह से मार्केट्स बनते हुए दिखाई पड़े, लेकिन कुछ स्टॉक जो कि इस पूरे हफ्ते के की हाईलाइट के तौर पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, जहां पे अच्छे नंबर्स भी आए, जहां पे अच्छे हाईलाइट्स भी आए, उनके ऊपर ही बात करना जरूरी है।
तो नयन सर, पहला नाम है भारती एयरटेल। इस पूरे तेजी में अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, और पहले आपसे कई बार चर्चा भी हुई स्टॉक को लेकर, आपने इसको इसी प्लेटफॉर्म पे रिकमेंड भी किया कई बार। सो इसलिए पूछा आपसे क्या करना चाहिए स्टॉक में। जी डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं, और जैसे कि हमने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में जो ARPOs है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली 250 और 250 के बाद जो 300 का जो टारगेट है वो भी वहां तक भी पहुंच सकते हैं। और जो कंपटीशन है वो उसमें भी अगर आप देखें तो अभी सिर्फ टॉप 2 प्लेयर्स ही हैं जो मार्केट शेयर गेन पोस्ट कर रहे हैं, बाकी जो थर्ड प्लेयर है वहां पे कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर जो सब्सक्राइबर बेस है वो घटता हुआ दिख रहा है, और इन दोनों प्लेयर्स के पास जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेक्टोरल पोजिशनिंग है वो भी कंपनी की काफी अच्छी है, और कंपनी का नतीजे भी काफी अच्छे हैं, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। तो बने रहने की राय डे हाई के आसपास, रादर नए अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास ये काम काज कर रहा है। लाइकवाइज एक बढ़िया तेजी जो ऑल टाइम हाईस में देखने को मिली है वो है रियल स्टेट स्पेस में भी। चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टी देख लें, DLF देख लें, ओब्रॉय देख लें, शोभा देख लें, सब के सब शेयर अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास ही कामकाज करते दिखाई पड़ रहे हैं। आस्था मैम, रियल स्टेट स्पेस में क्या करना चाहिए, किस तरह की बज आप बनते हुए देख रहे हो, और अभी उसमें क्या करें, कोई नाम जो आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक नाम अच्छा लगता है वो है फिनिक्स मिल्स का, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी भी ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें और बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से 3200 के आसपास का क्लोज, 3205 के आसपास का क्लोज इस काउंटर ने दिया है। तो आगे जाते हुए यहाँ पे जो हम अब नेक्स्ट लेवल्स देख रहे हैं वो यहाँ से तकरीबन कह सकते हैं 3400 से 3500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। रियल एस्टेट काफी ज्यादा बजिंग है, और जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेक्टर है ये एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया है। सो डेफिनेटली ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स भी हमें देखने को मिल रही है, और उसके वजह से नतीजे भी बढ़िया आ रहे हैं, तो ये सेगमेंट और ये सेक्टर अभी भी बजिंग रह सकता है, और इसमें फिनिक्स मिल्स पे नजर रखी जा सकती है। इनिशियल टारगेट 3400 की। तो फिनिक्स मिल करीब 3400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को भी देखिए, क्योंकि सेक्टर सबसे ज्यादा बजिंग था, उस पर बात करना जरूरी था। नरेंद्र सर, अच्छा आपके स्टॉक्स पे वापस आऊँ, एक HDFC बैंक को और देखिए, आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी इसका नाम शुमार था, और बढ़िया तेजी HDFC बैंक दिखा भी रहा है हाल में। मतलब ये चल तो वैसे रहा नहीं है 3 साल से, लेकिन अभी टूट भी नहीं रहा है। ये जो लो दिखाता है 1480 1460, वहाँ से वापस घूम के 1500-1517 के बीच में पहुँच जाता है, जैसे TCS के साथ हो रहा है, 3800 आता है वापस 4000 पहुँच जाता है। सो क्या करना चाहिए HDFC बैंक में? जी इसमें इमीडिएटली टर्न अराउंड देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये जो जिस जोन में है वहाँ पे आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके होल्डिंग पीरियड आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो डिसेंट वैल्यूएशन पे है, यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क इतना नहीं मिलेगा आपको, तो एक यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क नहीं है, लेकिन इमीडिएटली अपसाइड भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक बार्गेन करनी पड़ेगी, और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसका होल्डिंग पीरियड आपको एटलीस्ट 2-3 quarters टाइप का रखना पड़ेगा, तब जाके जैसे जैसे रिजल्ट आगे इम्प्रूव होते जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको एक हो सकता है रनअप दिखे, तो फिलहाल इसको एक्युमुलेट कर सकते। ओके, तो HDFC बैंक एक एक्यूमुलेशन जोन में ज़रूर है। हाँ ये बात सही है कि आपको शायद नियर टर्म में या इमीडिएटली बड़ी तेज़ी इसमें ना आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसे देख रहे हो या सोच रहे हो तो एक बार को शायद आपको यहाँ पर भी पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब लौटते हैं वापस अब अपने जानकारों के पिक्स की तरफ। आस्था मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम। देखिए तीसरा नाम NCC लिमिटेड है, वहां पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पहला तो टारगेट इसमें 310 के आसपास रहेगा। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहद शानदार थी, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है, 51,483 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक के मायने जब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब हम उन्हें उनके रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं, तो जो बुक टू बिल रेशियो है वो तकरीबन 2.8 times है। तो मुझे ये लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वाटर बिल्डिंग्स वगैरह सब में ये कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी इन्वॉल्व है, और ये स्पेस भी अभी काफी ज्यादा बजिंग है, तो यहाँ पे एक नजर बनाई जा सकती है 310 की टारगेट्स के लिए। आज समय में गलत नहीं हो तो पहले NHAI के कई सारे प्रोजेक्ट्स ये कंपनी करती थी, उस समय काफ़ी बड़ा हिस्सा जो इस कंपनी के रेवेन्यूज़ का था वो NHAI का था, और जो लास्ट 2 quarters पहले भी शायद इनका मेजर जो बिजनेस था वो साउथ से ये लोग शिफ्ट कर रहे थे स्लोली टुवर्ड्स नॉर्दर्न एंड अदर मार्केट्स। क्या अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल, और इसी वजह से जो मैनेजमेंट की यहाँ पे गाइडलाइंस और गाइडेंस जिसे हम बोल रहे हैं
वो आ रही है वो लगातार मजबूत आ रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों से मैनेजमेंट को और कंपनी को बढ़िया फायदा हो रहा है। लगभग 15% की इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस भी दी है FY25 के लिए, सो फ्यूचर आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग है। बस एक ही चीज है कि ये स्टॉक थोड़ा सा टूट रहा है अभी, तो मुझे लगता है थोड़ा और गिरेगा तो बढ़िया यहाँ पे रिटर्न के और ज्यादा चांसेस होंगे, तो तुरंत ना खरीदें। थोड़ी और गिरावट आती है लगभग 270-275 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करने के अच्छे मौके रहेंगे। तो एनसीसी लिमिटेड 281-282 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, 310 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। नरेंद्र सर आपकी तरफ से तीसरा नाम। जी हमारी तरफ से तीसरा नाम जो है वो है रेड गेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी जो है वो आईटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन जिस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है वो काफी अच्छी बूमिंग इंडस्ट्री है, और जो इंडस्ट्री है उसका नाम है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो हम काफी पॉजिटिव हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। इसमें अगर आप देखें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो होटल बुकिंग्स है, कार रेंटल्स है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, इवन जो भी आपके बुकिंग्स वगैरह है, जो आप ट्रेवल प्लान्स वगैरह बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, और जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इंजन है जो ओवरऑल होटल बुकिंग्स के लिए जरूरी होता है, वो सब ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और जो कंपनी की सर्विसेज है वो 23 टॉप 30 में से 23 जो होटल्स हैं या जो ब्रांड्स हैं उनको प्रोवाइड करती है, तो काफी बड़ा मार्केट शेयर कंपनी के पास है और काफी अच्छा एंट्री बैरियर भी है अपने इंडस्ट्री के लिए। और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लस विद इन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स कंपनी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है एक्विजिशन के थ्रू भी ग्रोथ करने का। तो हमको लगता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी यूनिक है और काफी अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और दूसरी जो बात वो है कि इसमें एक जो रिस्क फैक्टर लगता है कि इंडिविजुअल जो होटल्स है वो अपना ये पैकेज शुरू करे, लेकिन जो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस जो है वो कंपनी के फेवर में जाता है, इसलिए इसमें आप जो होटल्स है वो अपने अपना जो R&D एक्सपेंस बढ़ाने की बजाय दे प्रिफर टू आउटसोर्स दिस सर्विस। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रपोजिशन है कंपनी के लिए काफी स्टेबल है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंपनी कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करती जाएगी। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 970 रुपीज। तो 970 के टारगेट्स के लिए आप रेट गेन को देख सकते हैं। ये बिजनेस बेसिकली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ट्रेवल कारोबार को लेके, जो कि अभी नरेंद्र सर कह भी रहे थे कि बड़ा ही बूमिंग एक अच्छी इंडस्ट्री के तौर पर निकल कर आया है। लेकिन नरेंद्र सर आपने आईटी का नाम लिया है तो आईटी में भी क्या करें, क्योंकि मिड कैप चले हैं, चल के टूटे हैं, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। लार्ज कैप नहीं चले हैं लेकिन थोड़े थोड़े चले हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो यहाँ पिक एंड चूज कैसे किया जाए कि क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है, किनको बेट करें किनको ना बेट करें? जी आईटी में स्पेशली जो ग्लोबल फोकस्ड है, स्पेशली BFSI फोकसिंग जो आईटी कंपनीज है उसमें फ्लैटिशनेस कंटिन्यू रह सकती है नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, क्योंकि अगर आप US में इन्फ्लेशन का जो डेटा देखेंगे वो थोड़ा सा स्टिकी नजर आ रहा है। इवन जो फेड की रिसेंट मिनट्स हैं उसमें भी फेड को कंसर्न है स्टिकीनेस इन्फ्लेशन से, तो वहाँ पे जब तक थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आएगी तो वहाँ की जो फोकस कंपनीज है वो थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्म करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप सेक्टर की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर डेफिनेटली वापस से अपनी जो ग्रोथ है वो कैचअप करने के लिए सक्षम है, और वहाँ पे भी वो काफी अच्छा परफॉर्म करते रहने वाला है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे मिड कैप और लार्ज कैप का मिक्स बना के एक्युमुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया होना चाहिए कि 2-3 क्वार्टर्स हमको इस टाइप का एक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जरूर मार्केट्स के अंदर रहेगा, लेकिन हाँ पिक एंड चूज करिए और स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर मेंटेन कर सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम आपका भी और सोलंकी सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। स्टॉक्स कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए। आस्था मैम ने आपको जो 3 स्टॉक्स सुझाए हैं उनमें पहला नाम है दुनिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प का, इसके ऊपर आप 5615 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी और एक मेटल एंसिलरी स्पेस की कंपनी ग्रेविटा 1185 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। एंड लाइकवाइज NCC तीसरा नाम है जहां पर आप खरीदारी करेंगे करीब 310 रुपये के टारगेट्स के लिए। नरेंद्र सर ने आपको 3 स्टॉक्स सुझाए हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। पहला नाम जो उनकी तरफ से आया वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री, ऑफ रोडिंग टायर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर देश की, 3500 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप
जो दूसरा नाम है वो है रेट गेन ट्रेवल का, 970 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र सर मानते हैं कि आप BEL पे बेट कर सकते हैं, इनका टेलीकॉम या फिर डिफेंस या बाकी कारोबार के मद्देनजर 335 रुपए तक के टारगेट्स भी बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मार्केट्स को लेकर बायस पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान संभल के कामकाज करिए, किसी गिरावट में लॉन्ग जाए ज़्यादा बेहतर है, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी रणनीति को बनाना भी होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।